Hi, this is Neeraj Garg and you are watching class 10th chapter 10 circles exercise 10.2 question number 11. Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. हमें given है एक circle, ठीक है, circle के चारों तरफ एक हमें parallelogram बनाया हुआ है ABCD, ठीक है, सर्कल का सेंटर है ओ और ये जो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी ये सर्कल को टच कर रहा है एट पी क्यू आर एंड एस राइट और हमें प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ए बी सी डी ये एक रोम्बस है ये हमें प्रूव करना है अब रोम्बस प्रूव करने के लिए हमें रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए और रोम्बस और पैरेललोग्राम के अंदर हमें रिलेशन भी पता होना चाहिए राइट तो हमें पता है कि देखो एक रोम्बस जो होता है वो भी एक पैरेललोग्राम होता है बट रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है जबकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है तो जब हमें ऑलरेडी अपोजिट साइड्स इक्वल गिवन है क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और हमें चारों साइड्स को आपस में इक्वल प्रूव करना है तो ये रोम्बस प्रूव हो जाएगा तो इसके लिए हमारे पास एक थ्योरम थी 10.2 कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो वो आपस में इक्वल होती है इस थ्योरम का यूज करेंगे हम तो देखो ए पॉइंट से हमारे पास दो टेंजेंट है ए पी और ए एस तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गई ठीक है सिमिलरली बी पॉइंट से दो टेंजेंट है पी बी एंड बी क्यू ये भी आपस में इक्वल हो गई अब सी पॉइंट से दो टेंजेंट है हमारे पास सी क्यू एंड सी आर तो ये भी आपस में इक्वल हो गई और डी पॉइंट से हमारे पास जो टेंजेंट है वो है डी एस और डी आर ये भी आपस में इक्वल हो गई ठीक है इतनी बात सबको समझ में आ गई तो हमारे पास ये एक रिजल्ट आ गया इन चारों इक्वेशन को हम आपस में ऐड कर देते हैं जब हम ऐड करेंगे तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस इसके बाद हमने इसकी थोड़ी सी रीशफलिंग करनी है ए पी और बी पी को आपस में एक ब्रैकेट में लिख लिया सी आर और डी आर को भी एक ब्रैकेट में लिख लिया ए एस के साथ डी एस को लिख लिया और बी क्यू के साथ सी क्यू को लिख लिया सो ए पी प्लस बी पी कितना आ गया ए पी प्लस बी पी ये हमारे पास आ गया ए बी सिमिलरली सी आर सी आर प्लस डी आर ये आपस में ऐड करके क्या आ गया सी डी ये ठीक है ए एस प्लस डी एस इसको जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा ए डी दिस वन और बी क्यू प्लस सी क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास बी सी तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी ठीक है अब हमें पता है कि ए बी सी डी क्या है एक पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स जो होती है वो आपस में इक्वल होती हैं इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी है और ए डी इज इक्वल टू बी सी है ठीक है तो हमने क्या करा ये जो इक्वेशन थी इस इक्वेशन के अंदर ही हमने ये वैल्यूज पुट कर दी सी डी की जगह हमने ए बी डाल दिया और ए डी की जगह बी सी डाल दिया तो इससे जो हमारा रिजल्ट आ गया वो क्या आ गया ए बी प्लस ए बी सी डी की जगह ए बी डाल दिया ठीक है और ए डी की जगह बी सी डाल दिया तो ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस बी सी ठीक है इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी टू से टू ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया ए बी इज इक्वल टू बी सी ठीक है एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास और एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास अब देखो ए बी इज इक्वल टू क्या है सी डी और ए डी इज इक्वल टू क्या है बी सी और ए बी बी सी के भी इक्वल है
तो भाई इन सब के रिजल्ट से ये चारों साइड्स आपस में इक्वल आ गई ना। अगर हम इन फाइव और सिक्स इक्वेशन को देखें तो ये चारों इक्वेशंस आपस में इक्वल होगी ना। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। जब चारों साइड आपस में इक्वल हो गई पैरेललोग्राम की तो ये ए बी सी डी क्या बन गया, ये एक रोम्बस बन गया ना, और यही हमें प्रूव करना था, राइट। अगर आपको पूरा क्वेश्चन एक साथ कॉपी करना है तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑल द बेस्ट।